हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय किचन। और आज मैंने आपके साथ एकदम सुपर सॉफ्ट क्रीमी, जैसे हम ठेले पे आइसक्रीम खाते हैं ना, बिल्कुल वही वाली आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की है, जिसे मैं नारियल से बनाऊंगी। तो ये मैंने एक पानी वाला नारियल को अच्छे से फोड़ लिया, छील के उसका छिलका उतार लिया, और इसे अब मैं मिक्सी में ग्राइंड करके एकदम बारीक इसका पेस्ट बना लूँगी और इसे एक अलग से कटोरी में निकाल देते हैं। ये देखिए, अच्छे से हम पूरा निकाल लेंगे। इस आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने एक पूरे नारियल का इस्तेमाल किया है। अभी इसे मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें थोड़ा सा दूध मिला के मैं इसका अच्छा सा गाढ़ा सा एकदम स्लरी बना लूँगी। और ये देखिए, 2 मिनट में हमारी स्लरी बन के तैयार है, एक भी लम्स ना रहे। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है। इसे मैं पैन में रख के एकदम एक बॉयल आने तक अच्छे से गर्म करूँगी। और ये देखिए, 10 मिनट में एक बॉयल आ गया है। इसे अच्छे से हमें चलाते रहना है ताकि दूध हमारा तले में लगे नहीं। फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसे मैं डाल रही हूँ 1 इलायची, 2-4 इलायची कूट के, और साथ ही साथ मैं डाल दूँगी ये जो मैंने नारियल बारीक पीस कर रखा है ना, बस उसी नारियल को डाल के इस दूध में हमें मिला देना है। अच्छे से मिलाना है ताकि सारा नारियल इसमें पूरे अच्छे से मिल जाए। अब टेस्ट अकॉर्डिंग हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो मैंने 1 कटोरी भर के इसमें चीनी ली है। मीठा ज़्यादा खाते हो तो आप चीनी बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखिए, चीनी डाल के मैंने अच्छे से मिला दिया और दूध भी पक रहा है और गाढ़ा हो रहा है। दूध को और गाढ़ा करने के लिए बस इसमें हम डाल देंगे अपना ये कॉर्नफ्लोर, जिसे मैंने पहले दूध में घोल के रखा था। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। और ये देखिए, परफेक्ट हमारा दूध एकदम गाढ़ा हो गया है। इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। 1/2 घंटे में दूध हमारा ठंडा हो जाएगा। अब हम इसे, आप मोल्ड में भी भर सकते हैं, पर मैं इसे टिफिन में भर रही हूँ। नॉर्मल मैं बड़े साइज का आइसक्रीम बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने सारे ठंडे मिक्सचर को बड़े से टिफिन में कर दिया और एक भी उस पर आइस क्यूब न जमे तो मैंने उस पर थोड़ी सी प्लास्टिक लगा के ढक्कन लगा दी और 12 घंटे के लिए फ्रिज कर दिया। 12 घंटे बाद रिजल्ट दिखाती हूँ आपका। ये देखिए, एक प्लेट में हम पूरा अच्छे से निकाल दिया और कितने आसानी से निकल गई। ये देखिए, कितना सुपर सॉफ्ट क्रीमी आइसक्रीम बन के रेडी है। ये देख रहे हैं ना, कितने अच्छे से कट गई, एकदम मलाईदार ठेले वाली रबड़ी वाली कुल्फी बनके एकदम रेडी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी